देखिए, ये जो पूरा शेयर मार्केट में जो खेल हुआ, इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब आप कोई एक कंपनी बनाते हैं, आप जानते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई तो उसमें दो तीन चार आदमी मिल करके या जितने भी लोग मिल करके, वो उतने ही लोगों के द्वारा उसमें अंश पूंजी डाली जाती है, वही लोग केवल उस संचालक मंडल में होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती है, मतलब अब वो आम जनता से पैसा उठा सकती है, तो रूल ये कहता है कि आपको लगभग लगभग उसमें 76 है या 74 है, मैं भूल रहा हूँ, उतने प्रतिशत ही शेयर प्रमोटर अपने पास रख सकता है, बाकी के शेयर उसको मार्केट में छोड़ने पड़ते हैं। अब यहाँ दूसरी चीज़ है, जो 24% या 26% जो शेयर मार्केट में छोड़े जा रहे हैं, वो मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है, कोई कंपनी जिसकी वैल्यूएशन अच्छी जा रही है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, जिसके मुनाफे अच्छे जा रहे हैं, लोगों का उस पर भरोसा जमता चला जाता है, समय के साथ 5 साल, 10 साल, 20 साल में उसके शेयरों की वैल्यू आकाश छूने लगती है, ऐसा होता है, एक नॉर्मल ग्रोथ वाली बात होती है। यहाँ जो पिछली बार अडानी के मामले में हिंडनबर्ग ने जो बताया था, उसका पूरा लब्बोलुआब ये था कि ये जो शेयर मार्केट में इन्होंने छोड़े, उसको खुद ही आपस में खरीद रहे हैं और उसको हायर वैल्यू पे बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर हायर वैल्यू पे बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, तो इस तरह से उनके शेयरों की जो कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है। अब होता क्या है यहाँ पे, उसका फायदा क्या हो रहा है? उसमें फायदा ये हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख शेयर है कंपनी के, ठीक है, 2.5 लाख शेयर मार्केट में फ्लोट है, सबका 1 रुपया वैल्यू मान लीजिए, 7.5 लाख शेयर किसके पास है? स्वयं अडानी जी हैं, उनकी फैमिली या जो भी लोगों के पास में होंगे, प्रमोटर के पास में होंगे। अब अगर 2.5 लाख के शेयर की वैल्यू 2.5 करोड़ हो जाती है, तो आपके जो 7.5 लाख शेयर थे उनकी वैल्यू भी 7.5 करोड़ हो जाएगी। और बढ़ाते चले जाइए इसको, आप मान लीजिए कि अगर ये 10 लाख करोड़ का वैल्यू हो गया है ना, तो 2.5 लाख करोड़, ये अब ये जो मार्केट में जो शेयर है उससे पूरी कंपनी का वैल्यूएशन तय हो रहा है। अब अगर इनके पास में मान लीजिए कि 7.5 लाख करोड़ के शेयर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बैंक के पास जाएंगे, भाई ये लो 1 लाख करोड़ के हमारे शेयर हैं, आप इनसे 1 लाख करोड़ रुपया लोन ले लिया। मतलब दे आर एक्चुअली ओनली पेपर मनी, जो शेयर्स हैं उसका आपने कृत्रिम रूप से वैल्यूएशन बढ़ा दिया है, और उसी को लेकर के आप बैंकों से, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा रहे हैं, उसको और बिजनेस में लगा रहे हैं, उसी का थोड़ा पैसा घुमा फिरा करके ला करके मार्केट में लगा रहे हैं, अपने शेयरों को उछाल रहे हैं। ये एक फ्रॉड है। इसी फ्रॉड को इन्होंने हिंडनबर्ग ने पिछली बार अपने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था। अब ये पूरा का पूरा मामला उस समय जब आया था, और नॉर्मली तो देखिए क्या है, इन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई हिंडनबर्ग ने, वो कहीं हवा से नहीं बनाई। ये जो कंपनियां अपने द्वारा मार्केट में जो सरकार की जो वेबसाइट्स होती हैं उस पे वो अपना रिपोर्ट डालती हैं, वहां से कोई भी आदमी चाहे तो डाउनलोड कर सकता है। इन्होंने उन सारी कंपनियों की जो रिपोर्ट्स थी उनको डाउनलोड किया, उनकी ट्रेल को उन्होंने जब कनेक्ट किया सारे डॉट्स, तो ये कहानी निकल करके आई। मतलब ये तो इन्हीं के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स को ही अध्ययन करके हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी थी। मतलब ये है कि वो तो अपने आप में एक तरह से प्रूफ्ड ही है। लेकिन हिंडनबर्ग कोई सरकारी एजेंसी तो है नहीं, कोई एनफोर्समेंट एजेंसी तो है नहीं। अब वो उसने अगर कोई प्रमाण दिए हुए हैं, तो यहाँ की एजेंसियों को चाहिए था कि उसका पूरा ट्रेल को वो देखते रहें, और देख करके पहचान करके उसमें जो भी दोषीदार हो, उसमें जो भी अपराध हो, उस अपराध को कायम करके और कार्यवाही करें। उस समय ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। ठीक, आज 1-1.5 साल हो गया। कल परसों में जो ये रिपोर्ट आई है वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि इस पूरे मामले में जांच करने की जो जिम्मेदारी थी सेबी की, उसने क्यों नहीं इस जिम्मेदारी को पूरा किया। वो ये बता रहे हैं कि जिस फंड के माध्यम से अडानी कंपनी के शेयरों को कृत्रिम रूप से उछाला गया था, उस फंड में खुद सेबी की जो हेड है वो भागीदार है। मतलब दे बिकम पार्टनर इन क्राइम। तो ऐसे केस में वो कैसे उस मामले की जांच करेंगी, ये बात अपने आप में स्पष्ट हो गई। अब ये
सेकेंड वाला जो मामला है, एक तरह से पिछले वाले मामले का ये बताने का तरीका है कि वो जांच यहां पर क्यों नहीं हो रही है। अपने आप में भारत देश में जिस तरह से संस्थाएं चल रही हैं, ये उसका एक अपने आप में नमूना है कि हम ये कह सकते हैं कि चोर और पुलिस दोनों मिली हुई हैं। चोर ही जो है, पुलिस जो है, वो भी चोरी के कार्य में भागीदार बनी हुई है। ये रिपोर्ट मोटा मोटी यही बात कहने का प्रयास कर रही है। अस्थिर अडानी तो भाई भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ कंपनियों का, आप अगर पूरे मार्केट, शेयर मार्केट को उठा करके देखेंगे, तो कुछ कंपनियों का ही वैल्यूएशन बहुत हाई होता चला जा रहा है, सेलेक्ट कंपनियों का। क्या वो सेलेक्ट कंपनियां ही भारत देश की अर्थव्यवस्था है? क्या शेयर मार्केट में वो लिस्टेड 20-25 जो कंपनियां हैं जिनके वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था है? और क्या वो वास्तविक वैल्यूएशन दिखा रही हैं? दरअसल एक फ्रॉड, आप ये कहें कि मैंने अपना झूठ मूठ का, एक झूठ का कारोबार पूरा बनाया हुआ है जिससे सब कुछ बड़ी रोजी पिक्चर दिख रही है, आप तो मेरे इस गुब्बारे को फोड़ रहे हो, तो इससे तो देश को बड़ा नुकसान होने वाला है। सच्चाई ये है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक हालत है, उसको छुपाने के लिए शेयर मार्केट के उछाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए भी मुझे लगता है कि सरकार इस विषय पर ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती है, चुप रहना चाहती है। ऑन द अदर हैंड, अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं, वो तो आपके कर्ज के आंकड़े बताते हैं, वो आपके आयात निर्यात के आंकड़े बताते हैं, वो रुपए का गिरता हुआ जो मूल्य है वो बताता है। तो आप वास्तविक लक्षणों को देखेंगे अर्थव्यवस्था को जानने के लिए, या ये नकली लक्षण जो बनाए गए और फैब्रिकेटेड हैं, इसके आधार पे आप टेम्परेचर नापेंगे? तो ये पूरा एक फॉल्स है, फॉल्सी है, झूठ है, इस पे कोई विश्वास करने की बात नहीं। देखिए, शेयर मार्केट में पैसा किसका लगा हुआ होता है? एक बहुत सीमित मात्रा में लोग हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, और उनका वैल्यूएशन, ये मैं समझता हूँ कि एक नोशनल लॉस होता है, नोशनल गेन होता है, जब तक नकल, एक आभासी लॉस होता है, आभासी गेन होता है। आपके शेयर की, शेयर वही रखा है, कल उसकी कीमत 100 रुपया थी, आज 50 रुपये हो गई, अगले दिन फिर 150 हो जाएगी, तो पहले दिन आप बोलेंगे मेरा नुकसान हो गया 50 रुपये का, अगले दिन बोलेंगे पर। तो ये हमारी हेडलाइंस होती हैं। अर्थव्यवस्था एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, वो प्रतिदिन सुबह उठती और गिरती तो है नहीं, है ना? तो इस तरह की खबरें जो हैं, वो आजकल मीडिया ने बना करके रखा है, इससे बहुत गंभीरता से ना लीजिए। सच्चाई ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था की हालत जैसी है, उसके जो रियल इंडिकेटर्स हैं, उनसे उसको पकड़िए, और वहाँ से हम सच्चाई को समझते हुए अपने रिकवरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए प्रयास करें, न कि ये झूठ के मूल लम्बों में लेकर के हम कोई बात करें। भाई, सैया भय कोतवाल तो डर का है का, ठीक है। कंटिन्यूएशन में इस पूरे मामले में 1-1.5 साल से लगातार खुलासे होने के बावजूद बहुत सारे और भी ऐसे घोटाले हैं, मामले हैं, जिनके बारे में जानकारी होने के बावजूद, अभी आप रेलवे को देख लीजिए। एक समय लाल बहादुर शास्त्री ने, एक जब दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी तो हालत ये है कि हर दूसरे दिन रेलवे के इंजन जो है खेतों में उतर करके खेती कर रहा है, कोई असर नहीं है। जब जवाबदेही खत्म हो जाती है, तो उसके बाद किसी भी तरह से परफॉर्म करने का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, और ऐसे केसेस में सिर्फ चाटुकारिता, वफादारी और बिगोटरी करने वाले लोग तमाम संस्थाओं के ऊपर में चढ़ के बैठ जाते हैं। इस तरह के इनकम्पिटेंट लोग तमाम संस्थाओं में जब बैठे रहेंगे, लीडिंग संस्थाओं में बैठे रहेंगे, रेगुलेटर्स में बैठे हुए रहेंगे, तो प्रतिस्पर्धा नाम की चीज़ देश में ख़त्म हो जानी है, उत्साह और बिजनेस का कोई भी एटमॉस्फियर खत्म हो जाना है, और अल्टीमेटली यही वो चीज़ें होती हैं जो किसी देश को आगे बढ़ाती हैं। निश्चित रूप से हम इसकी वजह से पीछे लगातार होते चले जाएंगे।